भादो माह की अष्टमी यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समूचा शहर श्री कृष्ण भक्ति में रमा हुआ नजर आया। रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में जग के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर जहां मंदिरों में साज सज्जा श्रृंगार का दौर चल रहा था, तो वहीं नगर के अहिर समाज जनों ने भव्य शोभा यात्रा निकालकर माहौल को माधवमय बना दिया। सुबह करीब 11 बजे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अहिर यादव समाज जनों ने कुंदा तट स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर परिसर से शोभा यात्रा निकाली। अश्व सवार युवकों ने शोभा यात्रा की अगुवाई की। वहीं फूलों से सुसज्जित पालकी में लड्डू गोपाल की मनमोहक प्रतिमा विराजित की गई थी। जैसे ही यात्रा की शुरुआत हुई, वर्षा रूपी जल से इंद्रदेव ने भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक किया। उत्साही युवक युवतियां प्रभु भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रही थी। वहीं कसरावत विधायक सचिन यादव, पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार भी यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल समाजजनों का विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों ने रास्ते भर स्टाल और जलपान पुष्प वर्षा स्वल्पाहार का स्वागत किया। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए बिष्टान रोड स्थित अनाज मंडी पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हमारे कृष्ण भक्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को एक बड़े पैमाने पर मनाने का कार्य पिछले 8 वर्षों से किया जा रहा है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाने का कार्य किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर पूरे क्षेत्र से हमारे कृष्ण भक्त जो है यहाँ पर एकत्रित हुए थे और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से एक लंबे समय से हमारे इस क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में हमारा जो किसान था वो अवर्षा के कारण दुखी और परेशान था, लेकिन आज इस पावन दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से भगवान इंद्र भी प्रसन्न हुए, उन्होंने भी अपनी कृपा बरसाई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी जो किसान साथी हैं आज इस पावन दिवस के रूप में पावन दिवस पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जो है सभी को प्राप्त होगा और हमारा जो क्षेत्र है इसी प्रकार से उन्नति, खुशहाली और तरक्की की तरफ हमारा देश आगे बढ़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।